हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने समय मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई और फाइनल डिस्पोजल के लिए कोर्ट ने 27 फरवरी की तारीख सुनिश्चित की है। हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए पिटीशन दायर की गई है। हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस दौरान कोर्ट की ओर से हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिली थी। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल हुआ था पिटीशनर की तरफ से, जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे, जो इलीगल अरेस्ट हमने कहा था और डिटेंशन और उसके बाद का जो कार्रवाई था उसको हम लोगों ने चैलेंज किया था, तो उस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को कोर्ट ने आज अलाउ कर दिया है और सारा कंसोलिडेटेड रिप्लाई देने के लिए ईडी को डायरेक्शन दिया गया है कि जो मेन रिट हम लोग का जो कंथन था उसका प्रेयर और प्लस अमेंडमेंट का जो ग्राउंड्स और जो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हैं सारे का एक कंसोलिडेटेड रिप्लाई ईडी को फाइल करना है और इस पे इसका फाइनल डिस्पोजल के लिए कोर्ट ने 27 तारीख के लिए डेट रखा है। तो क्या इसे हेमंत सोरेन के लिए बड़ी राहत माना जाए? फिलहाल हमारे लिए जो हम लोग चाहते थे वो आज अलाउ हो गया अमेंडमेंट एप्लीकेशन। अब पूरे चीज़ पे, पूरे घटनाक्रम पे सुनवाई होगा और ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि हम अपनी सब बात अपनी कोर्ट को सामने रख सकेंगे, समझ सकते हैं। तो अभी हेमंत सोरेन कहाँ रहेंगे? ये जो प्रोसीडिंग चल रहा है उस हिसाब से रिमांड पे हैं, फर्दर कोर्ट का जो डायरेक्शन होगा उसको उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर एक अमेंडमेंट प्रेयर का कुछ बता पाएंगे कि क्या था? अमेंडमेंट प्रेयर जो हमने किया था कि सारी प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल दुर्भावना से प्रेरित है, कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है नहीं इसमें, फिर भी कार्रवाई चल रही है और एक रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी चल रहा है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और इसमें जो पावर है ईडी का उन्होंने अपना पावर से ज़्यादा उसको उसके इधर जा कर के अपना काम किया है। इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसीडिंग्स को हम लोगों ने चैलेंज किया है। उसके बाद की जो कार्रवाई है, इलीगल अरेस्ट, राजभवन से उनका गिरफ्तार होना और उसके बाद की कार्रवाई, डिटेंशन, रिमांड का कोई ग्राउंड नहीं था उसके बाद भी रिमांड पे चले जाना उनका, ये सारी प्रक्रिया को हमने चैलेंज किया है इस रिट में।